तो आप लोगों ने बहुत पहले जब इशू बहुत छोटी थी तब आप लोग देखते होंगे कि हम लोग इशू कैसे घुमाते थे। निकिता दीजिए जो है इशू को घुमाल है। इशू याद है ये क्या चीज़ है? हाँ इशू बेबी, इशू को तो याद भी नहीं होगा ना ये क्या चीज़ है। ये रहा इशू, घूमी घूमी कर रहा है इशू अपनी नई गाड़ी में। नई गाड़ी तो नहीं, पुरानी गाड़ी है बट इशू के लिए नई है। बिकॉज इशू आई थिंक 1.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं इशू को। इसमें कप्पा 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 दीदी घुमा रही है इशू को यहाँ पे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इशू और हॉली दोनों बहुत शैतानी कर रहे हैं। शिल्पा जो है कुछ चीज़ें पैक कर रही है और ये लोग जैसे काम नहीं करने दे रहे। तो निकिता दीदी ने अच्छा आइडिया निकाला, ये अंदर कर दो ताकि इशू कहीं भाग ही ना पाए और सब कुछ अंडर कंट्रोल रहे। और एक चीज़ और है, इसके इशू की दाने नहीं कम हो रहे हैं। तो आज अभी मतलब नज़र वज़र भी उतार रहे हैं सब कुछ है बट बहुत ज़्यादा दाने हैं फेस पे बॉडी पे। जो चीज़ कवर्ड है उसकी उसमें वहाँ पे नहीं है। और ये चीज़ जो है जो हम जिस डॉक्टर के पास लेके गए थे इशू को, ये उन्होंने बोली कि जहाँ पर उसकी टी शर्ट है वहाँ पर नहीं है दाने। जो एक्सपोज पोर्शंस हैं उसकी बॉडी के जैसे हाथ फेस वहाँ पर ही दाने थे और बहुत ज़्यादा दाने से हमने दवा करी सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों के बच्चों के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो इतने सारे। शिल्पा वी आर ऑल्सो सस्पेक्टिंग इट कुड बी एन एलर्जी टू आई डोंट नो मॉनसून्स में कुछ यू नो जो भी बैक्टीरियाज वैक्टीरियाज अगर किसी ने धोखे से पानी में गई हो जो भी है नीचे उसकी वजह से ये एलर्जी है। बिकॉज यार फुल बॉडी यार अपार्ट फ्रॉम अ टॉर्सो एंटायर पूरा हैंड्स एंड फीट एंड फेस कवर्ड विद छोटे 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 दाने। एंड परसों रात को तो वो खैर शी कुडंट स्लीप 3 आवर्स शी वाज जस्ट इचिंग 3 आवर्स। हम मैं और शिल्पा हम दोनों उठे हुए थे देन वी हैड टू गो फॉर अ शूट ऑल्सो। वी बाय द वे शॉट फॉर एन ऐड, मैं और शिल्पा हम लोगों ने एक ऐड की शूटिंग करी। तो जब वो आएगा आप लोगों को हम बताएंगे। और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये निकिता इसको पैर इसके संभाल लेना, पैर पे लग सकती है ये कीचड़ी पैर के नीचे। तो ये एंड सो ठीक है लेट्स जस्ट स्टार्ट द ब्लॉग। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने आप लोगों से बात नहीं करी है सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट द ब्लॉग। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हम लोग ठीक हैं, बस थोड़ा सा इशू का टेंशन है हम लोग को फेस का बॉडी दाने वाने। अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा आप लोगों ने सिमिलर चीज़ एक्सपीरियंस करी हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा लिख के, तो हम वो भी ट्राई करेंगे। इससे क्या कहला है इशू, क्या कहला, कहाँ जा रहा है इशू? इशू सबको हाय तो कर दो, बहुत देर हो चुके इशू ने सबको हाय नहीं किया। हाय हे एवरीबॉडी, हाय एवरीवन। अच्छा इशू कुछ बोल रहा है और इशू कहाँ जा रहा है हमें भी नहीं पता। गुड़िया इशू कहाँ जा रहा है भाई बैग लेके? फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। ये बच के यहाँ इशू फ्लोर गीला है भैया, फ्लोर गीला। पापा पापा बैठ जाओ इशू, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज सिट। कहाँ जा रहा है इशू, कहाँ जा रहा है इशू? अच्छा इशू बैग में तो दिखाओ क्या है, सबको दिखा दो बैग में क्या है इशू। और फिर दीपक भाई के पास आ चुके हैं और ये रहा, ये क्या है सिल्वर का होगा ना, सिल्वर का डिनर सेट, डिनर सेट लवली लवली। अच्छा आप लोगों ने अभी फ्रेम्स रखना भी शुरू कर दिया ना, पहले नहीं थे ना? ना अभी है। गोल्ड प्लेटेड। अरे दीपक भाई, दीपक भाई और हिमा जी यहाँ पर हैं पूजा करके, दीपक भाई की वाइफ धर्म पत्नी। और इच्छु यहाँ पर बैठा हुआ देख रहा है सबको और शर्मा रही है इशू। ओ गॉड इशू कैसे शर्माते हुए मैंने तो नहीं देखा आज तक। दीपक भाई आपसे शर्मा रही है इशू। हाँ बहुत दिन के बाद आई जी जी जी। नानी को पानी तो कर दे। अच्छा नानी को पानी तो कर दे। अच्छा नानी को मत। नानी वेट कर रही है लेकिन। अच्छा अभी तो बिल्कुल बुरी। नानी को ही पानी तो कर दे। शर्म। बस।
वही तो, इसलिए आप मतलब जब होता है तो मैं जवाब भी जरूर देती हूँ कि आप बेफिक्र हो जाओगे। मैम सॉरी, अभी मैं उठ के आपके पैर नहीं छू सकती, आपको हक ही नहीं दे सकती। ये क्या कर रही है चिंटू? रोड ब्लॉक। अरे हाय तो बोल यार, अच्छी बर्डी हो गई है। आपको मैंने कभी ना मैसेज किया था कुछ ऑर्डर करने के लिए, बोला आपसे शूटिंग पे जाना है, इसलिए मैं बोला। देखो भाई इतना काम है ना आजकल, शूटिंग से पहले इतना काम है मेरे को, अच्छी बर्डी हो गई है जी। और छुपी का है कुर्सी के पीछे छुपी हुई है। नानी को एक पारी कहते प्लीज। नानू को पाई कर दे, चलो बाय तो कर दे, बाय। अच्छा एक बार फिर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, शिल्पा इज गेटिंग रेडी। और ईशु ने क्या खाया है अभी? फिस्तू ने बनाया राजमा चावल, जो ईशु ने अपनी बहन के लिए बनाया है राजमा चावल। वाह वाह वाह, बहन ने खाया कि नहीं खाया? खाया, छह दाने राजमा के खाए उसने। देखो नहीं, वो इतनी गुस्सा होती है ना, मुझे भी मत देखो आज प्लीज। लोग भी कहेंगे रोज जाके बैठ जाती है मैं। नहीं नहीं मम्मा, प्लीज। हाय हाय हाय, ये जो कौन आ गया? मेरे पास भी है ना, ज्यादा भाव नहीं खाना। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ थी तू? मैं कहीं नहीं थी। निकम्मे हो गए सारे के सारे। अरे बाप रे बाप, अभी मेरे पैर छुए जा रहे हैं। ईशु, ईशु भाई मेरे पैर मत छुओ तुम। अभी अच्छा कन्हैया के भी पैर छू रहे हैं, कन्हैया जी को भी हाय बोले गया। तुम्हारे पैर छू रहे हैं। अरे सो नाइस, सो स्वीट ईशु, वेरी गुड। बहन के भी छू लो बेटा, ईशु बहन के भी छू लो। ईशु बहन के तो निकोटी काटेगी पैर। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहन को लेके क्या इमोशन है, लेकिन छू लो, पार कर लो उसको। बहन के भी पैर छू लो, बहन के भी पैर छूने जा रही है। अभी अभी बहन पैर छूने आ रही है। अरे बाप रे, तेरे पैर छू। वेरी गुड। अरे बाप, मम्मा के भी पैर छू रहे। अरे बाप रे बाप, सबसे ईशु सबसे आशीर्वाद ले रही है अभी। ओ मैंने लास्ट टाइम मम्मा शूट भी नहीं कर पाया ना। चलो भाई चलो, हम लोग चल रहे हैं। मजा भी आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ए ए आराम से आराम से आराम से। चलो बेबी बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बाय। हम डाले तो थे, कल बोले तो तुमको मंदिर के बाद बोले थे ना, जब हम पूछे थे तब बोले थे यस। अरे वाह, अच्छा ईशु ने अभी मुझे खिलाया, मम्मा को खिलाया, फिर पिस्तू दीदी के पास डाला था खिलाने आज, जबकि मम्मा का वो था, क्या मम्मा था, क्या एकादशी है, लेकिन चावल नहीं खाना था, लेकिन ईशु जी ने मम्मा को खिला दिया चावल, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है ना ईशु। भगवान जी तो, देवी माता ने खुद खिलाया है चावल तो, क्यों ईशु? ये बातें इतनी समझदार लड़की है भाई। अरे भाई ईशु दीदी, पिस्तू दीदी को खिला ले, खिला लो खिला लो खिला लो। अरे वाह सो स्वीट ईशु, ईशु तो बहुत स्वीट है भाई। तो बस हम लोग आज का जो छोटा सा व्लॉग है ये भी खत्म करते हैं। हमें देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ईशु सबको बाय बाय कह दो, बाय बाय टाटा ईशु, टाटा ईशु। जब तक अपना हेयर स्टाइल बना रही है तब तक आप लोग अपना अगले व्लॉग का इंतजार करिए। वी लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय। मम्मा आपका आपकी स्टाइलिंग चल रही है अभी, दीदी की स्टाइलिंग का नंबर है। ओके गाइस, लव यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।